नगर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। जनवरी को अयोध्या जी में होने वाले श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व शहर रोशनी से हुआ सरोबार। शहर के प्रमुख देवालयों के साथ ही प्रमुख बाजार में की गई विद्युत संचार। बाईस जनवरी को होने वाले श्री राम लला जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देवालयों में उमड़ा ब्रह्म मुहूर्त में ही आस्था का सैलाब। हरोल ब्रह्म मुहूर्त में राम कीर्तन यात्रा के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं श्रद्धालु जन। और इंदौर के 56 दुकानों की तर्ज पर रतलाम में बनेगा MP43 फूड जोन। शहर विधायक कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने किया भूमि पूजन। रतलाम शहर के नगर से महानगर की ओर बढ़ते कदम। बाईस जनवरी को अयोध्या जी में होने वाले श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष में सारा नगर झिलमिलाती रोशनी से सरोबार हो गया। शहर में हर कोई दीपावली जैसी रौनक दिखाई दे रही है। वहीं हर गली मोहल्ले में दुकान इमारतें रोशनी से जगमगा रही है। शहर के प्रमुख चौराहे भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। चौमुखी पुल, चांदनी चौक, धान मंडी, डालू मोदी बाजार के साथ शहर के प्रमुख बाजार व कॉलोनियां भी श्री राम लला के आगमन से पूर्व हर ओर हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। जहां भाजपा नेता मदन सोनी 1,00,000 दीपक का घर घर वितरण कर रहे हैं, वहीं उनके साथ कई सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी इस पुनीत कार्य में हाथ बटा रही हैं। वहीं शहर के प्रथम व्यायामशाला में जवार व्यायामशाला में दौलत जाट पहलवान द्वारा बच्चों को श्री राम जी की गाथा सुनाई गई। साथ ही बच्चों को 251 बार जय श्री राम का जय घोष लगवा कर पूरा व्यायामशाला परिसर गुंजायमान कर दिया। बाईस जनवरी को जहां अयोध्या जी में श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर धूम मची हुई है, वहीं अयोध्या जी के साथ ही देश विदेश के साथ रतलाम शहर में भी श्री राम लला जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष में पूरे शहर में राममय माहौल बना हुआ है। रतलाम शहर में आज सुबह 200 से अधिक टोलियों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में राम भजन यात्रा निकालकर पूरा शहर राममय बना दिया। आस्था स्थल श्री राम मंदिर पर सुबह 5 बजे ऐसा लग रहा था मानो यहां पर मेला लग रहा हो और हर ओर राम भक्त प्रभु श्री की आराधना में लीन दिखाई दे रहे थे। हर ओर से राम भक्त भजन कीर्तन करते हुए प्रभु श्री के दर्शन कर रहे थे। एक और जहां श्री राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर शहर के वार्ड क्रमांक 13 में विकास कार्यों की सौगात भी मिल रही है। वार्ड क्रमांक 13 में जागरूक जनप्रतिनिधि श्रीमती आशा राजीव रावत द्वारा हर दिन विकास कार्यों के कार्य करवाकर क्षेत्र को विकासशील बनाने में लगी हुई है। वार्ड क्रमांक 13 जवान नगर में नवीन बगीचे की बाउंड्री वॉल एवं पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शुभारंभ नगर निगम महापौर, नगर निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आशा राजीव रावत ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष रहवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद राजीव रावत ने किया।
कपूर जी के ही निर्माण कार्य अध्यक्ष मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। आज ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। बाउंड्री वाल यहाँ चाहते थे कि यहाँ बाउंड्री वाल बगीचे का निर्माण हो, ये नगर निगम द्वारा महापौर जी द्वारा और अध्यक्ष मोदी द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने शनिवार को 3,52,00,000 रुपए लागत से निर्मित होने वाले फूड प्लाजा भवन MP 43 के निर्माण का भूमि पूजन किया। उल्लेखनीय है कि लाडली लक्ष्मी पथ लोकेंद्र भवन के सामने नगर निगम द्वारा 43 दुकानों वाले फूड प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नगर के विकास एवं व्यवसाय को अभिनव गति मिलेगी, बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में महापौर समाजसेवी खुर्शीद अनवर, पार्षद योगेश पापटवाल, प्रदीप उपाध्याय, मनोहर पोरवाल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि पूर्ण स्वरूप में जब जनता के बीच कोई कार्य लेकर जाते हैं तो जनता भी उसे स्वीकार करती है। MP 43 भवन निर्माण कार्य योजना को महापौर श्री पटेल ने ठोस स्वरूप दिया है। पूर्ण जन विश्वास के साथ उक्त निर्माण कार्य संपन्न किए जाने वाला है। जब यह मार्केट बनकर तैयार होगा तो पूरे देश में MP 43 के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। अब निश्चित रूप से भविष्य का रतलाम औद्योगिक व्यवसायिक व्यापारिक दृष्टि से सुविधा संपन्न होगा, उद्योगपति को आकर्षित करेगा। भारत शासन द्वारा बनाए गए एक्सप्रेस वे का लाभ भी व्यापक स्वरूप में रतलाम को प्राप्त होने वाला है। हम मालवा निमाड़ के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र रतलाम के गौरव में और अभिनव वृद्धि कर रहे हैं। दिनों में एक नया मुकाम हासिल करा और निश्चित राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठ करके और आज से नहीं बरसों से उन्होंने यही प्रवृत्ति अपनी रखी थी। जैसे हमारे बड़े भाई मेरे तो जब से स्कूल के जमाने से उनका सानिध्य भी मिला, भाई खुर्शीद अनवर जी आज यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया और जो अपेक्षा बताई है, निश्चित उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरने के पूरे प्रयास। मैं 10 साल से विधायक हूँ, लगातार हमने रतलाम के विकास के क्रम में इन कामों को एक नया अंजाम दिया है और भविष्य में भी इन्हीं बातों को देखते हुए जो अपेक्षाएं यहां के समस्त नागरिकों ने, हमारे राजनेताओं ने, यहां के बुद्धिजीवियों ने जो सबने रखी है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि रतलाम के विकास की कार्य योजना को आज जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। रतलाम शहर के सर्वांगीण विकास की श्रृंखला में नित नवीन आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नगर के विकास एवं व्यवसाय को अभिनव गति मिलेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय व्यापारी मौजूद रहे। रतलाम में मंदसौर जा रही चलती बस में हार्ट अटैक आने से बस ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर ने जिंदगी को अलविदा करने से पहले कई यात्रियों की जान बचा ली। 50 वर्षीय ड्राइवर को लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को रोड के साइड में खड़ा किया, फिर बेसुध हो गए। हेल्पर और दूसरे यात्रियों की मदद से ड्राइवर को रतलाम के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पहले ही सांसें थम गई। ड्राइवर का नाम जफर मेव है, जो रतलाम के रहने वाले हैं। घटना के समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनकी जान जफर भाई ने बचाई है। यह बस हर दिन रतलाम रोडवेज बस स्टैंड से नीमच के लिए रवाना होती है। बस रतलाम से रवाना होकर 3 किलोमीटर दूर पहुंची ही थी कि ड्राइवर जफर की तबीयत बिगड़ गई और चलती बस में हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। ड्राइवर जफर भाई ने सूझबूझ से दर्जनों यात्रियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद की जान नहीं बचा सके। कल सुबह प्रातः 8:30 बजे करीब जब हमारी यहाँ से गाड़ी मंदसौर के लिए रवाना हुई, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, हो सकता है उस तबीयत बिगड़ने में उनको जो अटैक की शिकायत है, ये
आजकल नॉर्मल बात और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से उन्होंने जो पैसेंजरों की जान बचाई ये सराहनीय रहा। यही से निकली थी बस, कहाँ से कहाँ तक पहुँची थी? बस स्टैंड से निकली थी गाड़ी और तीन किलोमीटर ही चली थी मोटर। क्या हुआ था फिर? अचानक उन्होंने अटैक आया और उन्होंने गाड़ी संतुलन में लेके साइड में खड़ी करी और अटैक आ गया उन्हें। कितने पैसेंजर थे उस समय गाड़ी में? मिनिमम कम से कम 20 से 25 पैसेंजर थे। उन लोगों की जान बचाई उन्होंने। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या जी में होने वाले श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व शहर रोशनी से हुआ सरोबार। शहर के प्रमुख देवालयों के साथ ही प्रमुख बाजार में की गई विद्युत संचार। जनवरी को होने वाले श्री रामलला जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देवालयों में उमड़ा ब्रह्म मुहूर्त में ही आस्था का सैलाब। हर ओर ब्रह्म मुहूर्त में राम कीर्तन यात्रा के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं श्रद्धालु जन। और इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर रतलाम में बनेगा MP43 फूड जोन। शहर विधायक कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने किया भूमि पूजन। रतलाम शहर के नगर से महानगर की ओर बढ़ते कदम।